हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फार्मेसिस्ट सभी, जहां आपको मिलती है मेडिसिनल प्रोडक्ट्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और आपके हेल्थ से रिलेटेड यूजफुल टिप्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिमसी टैबलेट के बारे में और उससे होने वाले अमेजिंग बेनिफिट्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिमसी टैबलेट को एबॉट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा बनाया जाता है। इसके अंदर अच्छी खासी मात्रा में विटामिन सी होता है, जिसको एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। लिमसी टैबलेट को बेसिकली शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए लिया जाता है। इसकी एक टैबलेट में 500 mg विटामिन सी होता है। तो अगर आपके शरीर में विटामिन सी की कमी है तो आप लिमसी टैबलेट को ले सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि हमें पता कैसे लगेगा कि विटामिन सी की कमी हमारे शरीर में हो गई है। तो उसके काफी सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपके शरीर में विटामिन सी की कमी है। जैसे कि विटामिन सी की कमी होने पर हमारी जो स्किन है वो बहुत ज्यादा ड्राई फील होती है, जो चेहरे की चमक है वो खत्म होनी शुरू हो जाती है, चेहरे पर कोई रौनक नहीं रहती है, आपकी जो बोन्स हैं, मसल्स हैं, और अगर उनमें लगातार पेन रहता है, आपके जो मसूड़े हैं उनसे ब्रश करने पे खून निकलता है, या फिर आपके जो दांत हैं वो समय से पहले टूटने लगे हैं, तो भी आपके अंदर समझ लीजिए कैल्शियम की कमी है। इसके अलावा अगर आपके बाल हैं वो बहुत ज्यादा झड़ते हैं, आपके नेल्स बहुत ज्यादा वीक हैं, बहुत ही जल्दी टूटने लग जाते हैं, आप बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, खांसी जुकाम ये सब बहुत जल्दी आपको हो जाता है, इसका मतलब आपकी जो इम्यूनिटी है वो बहुत ज्यादा वीक है, और इसका रीजन सबसे बड़ा विटामिन सी की कमी होना ही है। अगर आपको लगातार थकान रहती है, आपका जो वेट है वो भी कम होता ही जा रहा है, आपको भूख बिल्कुल भी नहीं लगती है, तो भी आपके अंदर विटामिन सी की कमी हो सकती है। विटामिन सी की कमी होने से हमारे जो बॉडी में स्कर्वी जो डिसीज है वो भी होनी शुरू हो जाती है। अगर ये सभी सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं तो समझ लीजिए कि आपके अंदर, आपकी बॉडी के अंदर विटामिन सी की कमी है। विटामिन सी की कमी होने से जो हमारा आयरन है वो भी अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, जिससे कि हमारी बॉडी में एनीमिया होना शुरू हो जाता है, खून की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में। अगर हमारी बॉडी में विटामिन सी की कमी हो जाती है तो ज्यादातर ये खान पान से पूरी की जा सकती है। जैसे कि आप जो खट्टे फ्रूट हैं वो खा सकते हैं, खट्टी चीजें जैसे कि लेमन है, ऑरेंज, कीवी, स्ट्रॉबेरीज, पपाया, सब्जियों में जैसे कि पालक, ब्रोकली, फूल गोभी, कैप्सिकम, ये सारी चीजें अगर आप लेते हैं तो आपकी विटामिन सी की कमी को पूरा किया जा सकता है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको ये सब लेने के बाद भी शरीर में विटामिन सी की कमी बनी रहती है, तो वो लोग लिमसी टैबलेट ले सकते हैं और अपने विटामिन सी की कमी को पूरा कर सकते हैं। अब बात आती है कि विटामिन सी हमारी बॉडी के लिए इतना जरूरी क्यों होता है, क्यों हमें लिमसी टैबलेट लेनी चाहिए और लिमसी टैबलेट के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। द फर्स्ट थिंग इज कि ये एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट मतलब ये हमारे शरीर से जो हार्मफुल केमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बाहर निकालने का काम करता है, जिससे कि जो हमारी स्किन होती है वो बहुत ज्यादा हेल्दी और चमकदार बनती है, जो हमारे सेल्स हैं वो रीग्रो होते हैं। दूसरा, ये हमारे टीथ, हमारे बोन, हमारे नेल्स, हमारे स्किन, हमारे हेयर, इन सभी के लिए काफी अच्छा होता है, इन सभी को हेल्दी बनाता है। साथ के साथ विटामिन सी की वजह से जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनता है, जिससे कि हमें कोई भी बीमारी या इन्फेक्शन इजीली नहीं हो पाता है। विटामिन सी की वजह से हमारी जो स्किन है वो बहुत ज्यादा हेल्दी, ग्लोइंग और चमकदार बनती है। विटामिन सी से हमारे जो चेहरे पर किसी भी तरह का कोई भी एक्ने या पिंपल भी नहीं होता है। विटामिन सी घाव भरने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, अगर आपको कोई भी कट या घाव है वो बहुत ज्यादा जल्दी भर जाता है। विटामिन सी की वजह से हमारी बॉडी में आयरन एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा हो पाता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में खून की कमी नहीं होती है। विटामिन सी को बहुत सी बीमारियों में एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की तरह भी यूज किया जाता है, जैसे कि डायबिटीज, स्ट्रोक, हार्ट डिसीज, आई डिसीज, इन सभी में भी विटामिन सी को लिया जाता है। अब बात करते हैं कि विटामिन सी को लेते समय हमें क्या क्या सावधानियां प्रिकॉशंस बरतनी चाहिए। लिमसी टेबलेट को लेते समय अगर आपको इसके किसी भी इंग्रेडिएंट से कोई भी एलर्जी है तो आप लिमसी टैबलेट को ना लें। इसको लेते समय आपको स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी है और ना ही अल्कोहल का यूज करना है। अगर आप पहले से कोई भी सप्लीमेंट, विटामिन या आयरन, ऐसी कोई भी टैबलेट्स अगर आप पहले से या कोई दूसरी मेडिसिन आप ले रहे हैं तो उस केस में आप पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद इसको यूज करें, क्योंकि उन सभी को लेने के साथ साथ जो विटामिन सी है या लिमसी जो टैबलेट है
वो अच्छे से असर नहीं दिखा पाएगी हमारी बॉडी को, उसका पूरा जो रिजल्ट है वो देखने को नहीं मिलेगा। अगर किसी भी पर्सन को पहले से किडनी स्टोन है तो उन लोगों को जो लिम्सी टैबलेट है, विटामिन सी की जो टैबलेट है, उसको नहीं लेना चाहिए। अगर इसकी डोज की बात करें तो एक दिन में इसको आपको सिर्फ एक टैबलेट ही लेनी है, उसको आप खाली पेट या खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं। अच्छा है कि आप खाली पेट इसको लें तो इसका असर जो है वो ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन अगर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है पेट में, आपके पेट में कोई भी पेन होता है, तो इसको आपको खाना खाने के बाद लेना चाहिए। अगर लिम्सी टैबलेट के साइड इफेक्ट्स की बात करें तो इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, क्योंकि जो विटामिन सी होता है वो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता है, वो साथ के साथ हमारा बॉडी से निकल जाता है। उसका जो बेनिफिट्स है वो हमारी बॉडी को मिलते हैं, लेकिन बाद में हमारी बॉडी से निकल जाता है, तो किसी भी तरह के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी अगर किसी को जैसे कि नोजिया, वोमिटिंग, स्टमक पेन, हेडेक, अगर इस तरह के कोई भी सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं और आपको लगता है कि ये और ज्यादा वॉर्स होते जा रहे हैं, ठीक नहीं हो रहा है, तो प्लीज आप लिम्सी टैबलेट को ना लें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर आप पहले से कोई टैबलेट या मेडिसिन आप ले रहे हैं जैसे कि एम्फेटामिन्स, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, एस्प्रिन या आयरन सप्लीमेंट, ऐसी कोई भी आप मेडिसिन अगर आप पहले से ले रहे हैं, तो ध्यान रहे कि लिम्सी टैबलेट को अपने डॉक्टर की सलाह के बाद ही आप लें। ध्यान रहे कि लिम्सी टैबलेट को आपको ड्राई प्लेस पे ही रखना है, इसको मॉइस्चर वाली जगह बिल्कुल नहीं रखना है, क्योंकि उसके साथ ही इंट्रैक्शन कर सकती है, और इन सभी मेडिसिन के साथ भी जो लिम्सी टैबलेट है वो इंट्रैक्शन कर सकती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी को नुकसान भी हो सकता है। तो ध्यान रहे कि अगर आप ये सारी मेडिसिन ले रहे हैं तो लिम्सी टैबलेट को ना लें। तो ये थी बात लिम्सी टैबलेट के बारे में। आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? अगर जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी जरूर शेयर कीजिए, जिससे कि उनसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको टाइम टू टाइम ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही यूजफुल वीडियोस में टाइम टू टाइम आप सभी के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही यूजफुल इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।